टाइप्स हैं, और फिर आज हम बात करेंगे एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी में मीन कैलकुलेशन कैसे करेंगे और मीडियन क्या होता है या मोड क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने मीन की बात करें तो हम कहते हैं कि सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ स्कोर्स, कि आपके पास टोटल जैसे होते हैं ना, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज में क्या करते हैं हम कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उन तमाम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं और उनके कितने टोटल वेरिएबल्स के नंबर हैं उन पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज आ जाती है। तो सेम मीन के केस में हम क्या करते हैं कि मीन के केस में भी हम लोगों के पास नंबर्स होंगे और उन नंबर्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं उनको जो टोटल नंबर्स में वो डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास मीन आ जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आगे आप लोग पूछ सकते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि मीन में और एवरेज में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, या मीन में या अर्थमेटिक मीन में। अच्छा, इस मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन में और या एवरेज में क्या फ़र्क होता है। तो वो इस तरह से है कि एवरेज में हम लोगों के पास जो नंबर होते हैं बेसिकली, और जो अर्थमेटिक मीन है ना, सॉरी ये यहाँ पे एक दोबारा मैं रिपीट करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए सबको, कि जो मीन है और अर्थमेटिक मीन है और एवरेज है, ये तीनों टर्म्स हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं। दोबारा बता रहा हूँ, मीन, अर्थमेटिक मीन और एवरेज, ये तीनों आपस में मिलती जुलती टर्म्स हैं। अब जो मीन है, मीन में हमने क्या करना होता है कि एक ही तरह के वेरिएबल्स होंगे। मीन्स इन केस ऑफ मीन कैलकुलेशन we will sum all sorts of variables from single type. मिसाल के तौर पे if you are calculating the mean of height of the people, कि लोगों की height का mean आप ले रहे हैं कि 50 लोग हैं उनकी कितनी height है और उसका आपने mean ले लिया, तो mean में आपके पास क्या होगा, usually single kind of variable होंगे। but in case of average या arithmetic mean में क्या होगा, in case of arithmetic mean or average you people have more than one kind of variables at a time and all those variables will be positive, keep in your mind. In case of arithmetic mean or average you people have more than one kind of variables, ki jisme logon ki height bhi aa sakti hai, logon ki age bhi aa sakti hai, to average logon ki height ya age ke variables wo same ho, ek hi data mein honge. Misal ke taur pe aapke paas 5 log hain, पांच लोगों में से दो की हाइट दी गई है उसमें और दो की आपके पास सपोज एज दी गई है, तो आप क्या उसका निकालने जा रहे हैं उसका अर्थमेटिक मीन, तो आप वहां पे अर्थमेटिक मीन के केस में उसकी हाइट को भी ऐड कर सकते हैं और उसी डेटा में आप उसके जो मतलब हाइट प्लस एज उसके जो दोनों के नंबर्स हैं वो ऐड करके उसके टोटल नंबर पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास अर्थमेटिक मीन होगा या एवरेज होगा। तो एवरेज में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हम ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स का एवरेज निकाल सकते हैं, और या इसी तरह अर्थमेटिक मीन के केस में हम डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं और उनका अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं। बट मीन के केस में क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ वेरिएबल्स लेंगे, या एज लेंगे या हाइट लेंगे या कोई और वेरिएबल जिसका भी आप मीन लेना चाह रहे हैं, तो वो सिंगल टाइप के सारे पार्टिसिपेंट्स के होने चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है मीन में, एवरेज में और अर्थमेटिक मीन में। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं किसी से पूछ भी लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ गई ये बात या नहीं, तो मैं दोबारा रिपीट करूँ। सो लेट मी कन्फर्म, रवेद खान, रवेद आप बताओ समझ आ गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ओके जी, थैंक यू। अच्छा सादुल्ला, आप बता दें हमें, सादुल्ला, सादुल्ला जी, साद आप बहुत अरसे बाद क्लास में आए और आपका दोस्त भी क्लास में नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, आपके दोस्त का, कदीर, व्हाट इज द रीजन? अच्छा जी, तो फिर हम यहाँ पे बात करें। अच्छा जी जी सर, ये जो अर्थमेटिक मीन है इसमें अगर डिफरेंट वेरिएबल हम डालेंगे तो उनकी वैल्यू आखिर में एक ही आएगी, एक ही वैल्यू आएगी और वो एक ही वैल्यू उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यही तो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि आपके पास एक मीन होगा, एक अर्थमेटिक मीन होगा और फिर आपके पास एक एवरेज है।
एवरेज और अर्थमेटिक मीन को सेम कंसीडर कर सकते हैं हम कुछ टाइम इंटरवल के लिए। अगर एक टाइम खास टाइम पे हम एवरेज ले रहे हैं उस डेटा की जो कि मिक्स्ड वेरिएबल्स मौजूद हैं उसमें, हाइट भी है, जेंडर भी है या इस तरह एज भी है, तो आप एवरेज या अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हमने इस पर प्रॉपर फॉर्मूला लगा के अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है, तो वो ज़रा आगे हम देखेंगे जाके। तो फिलहाल आप आगे कंटिन्यू करें, आप सुने आगे चलते हैं हम, तो वहाँ पे आपको मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अच्छा, अब हम मीडियन की बात करें, तो मीडियन मीन्स द मिडिल मोस्ट नंबर। इसकी भी एग्जांपल्स मैंने आगे ऐड की हुई हैं। मिडिल मोस्ट नंबर से मुराद ये कि आपके पास ऐसे आ रहे हैं नंबर्स के 5, 5 और 6, 6 और फिर 8, 8 आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो 6 आ रहे हैं नंबर, वो 6 नंबर बेसिकली आपका मिडिल मोस्ट नंबर होगा और उसको हम मीडियन कहेंगे। फिर आपके पास मोड मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग नंबर, कि आपके पास एक डेटा है जिसमें आ रहा हो जी 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 एंड 9, तो इसमें 7 जो है वो 3 टाइम्स सबसे ज़्यादा बार आ रहा है एक डेटा में। तो इट्स मीन दिस 7 इज रिप्रेजेंटिंग द मोड ऑफ अ डेटा, कि एक डेटा में जो नंबर रिपीटेडली आ रहा है, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो उसको हम मोड कहते हैं। मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट नंबर जो है। अच्छा जी, अब फर्दर हम फॉर्मूलाज देखेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखें, हम ये जितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आगे या इनकी एग्जांपल्स कोट करेंगे जिसमें मीन, जी सही सर, जी सही, आपको मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं। जी सही, 1 सेकंड। जी सही, आपका माइक लो कर दिए गए, बताएं। सईदुर्रहमान, ओके, ही इज़ नॉट हेयर जी, कहीं और है वो। अच्छा जी, आगे हम पढ़ रहे थे, तो ये जो जितने भी फॉर्मूलाज इनके हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ इससे पहले समझनी बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक में या स्टैटिस्टिक में ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा बहुत बड़ी एक लॉजिक है या एक बहुत बड़ी डोमेन है, इसको समझने के बगैर हम कोई भी मीन या मीडियन या मोड का फॉर्मूला नहीं सीख सकते, ना ही अप्लाई कर सकते हैं, जब तक हमें ये ना पता हो कि कौन सा डेटा है। जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का मीन का फॉर्मूला लगेगा, और जिस तरह मोड ग्रुप डेटा है या अनग्रुप है उसके अकॉर्डिंग मीन और मोड के एक से ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं जो कि लगेंगे, वो आगे हम जाके पढ़ते हैं। अभी पहले आप ये समझें कि ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स के साथ। सो अनग्रुप डेटा इज डिफाइंड एज डेटा गिवन एज इंडिविजुअल पॉइंट्स, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है अनग्रुप डेटा की, आप देखिए तो यहाँ पे वेट ऑफ 3 एडल्ट्स मेल जिसमें 52 kg है, 55 kg और 59 kg है। अब ये क्या है हमारे पास, ये अनग्रुप डेटा है, एक बंदा है उसका 52 kg वेट है, फिर 55 है और 59 है। दिस डेटा इज अनग्रुप डेटा, मीन्स देर इज नो ग्रुप ऑफ अ डेटा। अगर हम इसका ग्रुप बनाएं इसी का, तो हम क्या करेंगे कि 50 kg से लेकर 59 kg तक जिन लोगों का वेट है उसका एक ग्रुप बन जाएगा, तो वो एक ग्रुप डेटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अनग्रुप डेटा बनाया हुआ है हमने, बट इनकेस ऑफ ग्रुप डेटा मीन्स द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स सच एज 0 to 20, मिसाल के तौर पे 0 से लेकर 20 साल तक कितने लोगों की एज है, फिर 20 से लेकर 40 साल तक कितने लोगों की एज है, तो इस तरह के पास का डेटा अगर हमारे पास है तो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। लेकिन अगर सिंपल इंडिविजुअल नंबर्स की फॉर्म में डेटा है तो उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं फर्दर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डेटा, मीन एज कैलकुलेशन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। जैसे आप लोगों में से किसी ने अगर बल्कि आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे बहुत सारे या रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड किए होंगे या पढ़े होंगे, तो वहाँ पे लिखा होता है कि मीन एज ऑफ द पॉपुलेशन हु वाज सिलेक्टेड फॉर दिस स्टडी वाज 35 ईयर, कि 35 साल मीन एज थी तमाम पार्टी। सपोज आपने 50 इंडिविजुअल्स लिए हैं अपनी रिसर्च में और कुछ की एज थी 28 साल, कुछ की थी 25 साल, कुछ की 20 साल और कुछ की थी 40, कुछ की 70 ईयर एज थी। जब हम मीन एज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल
ये जो जितने 0 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 20 तक और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ईयर एज तक के ये जो जितने ग्रुप थे आपके पास, इस ग्रुप डेटा में ओवरऑल लोगों की मीन एज कितनी है, तो आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 35 ईयर आती है या 34 आती है सपोज। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, कि कौन सा तरीका है, किस तरह से हम मीन एज कैलकुलेट करेंगे फॉर ग्रुप डेटा और किस तरह से हम मीन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा। तो अब हम अगली स्लाइड में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा में हम लोगों के पास डेटा के ग्रुप्स बने होते हैं, 0 to 20, 1 to 20, इस तरह से ग्रुप्स बने होंगे और ये अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं। और अनग्रुप डेटा में हम लोगों का सिर्फ नंबर्स होंगे, कोई ग्रुप बने नहीं होंगे आपके पास डेटा के। अगर ग्रुप नहीं बने हुए डेटा के तो उस पर मीन का और फार्मूला लगेगा, अगर डेटा के ग्रुप्स बने हैं तो उस पर मीन का फार्मूला और लगेगा। वो कौन सा फार्मूला है जी, यहाँ पे अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा मीन कैलकुलेशन। इससे पहले अनग्रुप डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अनग्रुप डेटा में जैसे ना 52, 55 kg और 59 kg, अगर आप इन तीनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये आपके पास अनग्रुप डेटा है और इसका मीन आ जाएगा आपके पास। जैसे हम कर लेते हैं कैलकुलेट यहाँ पे, लेट मी कैलकुलेट फॉर यू, जस्ट मुझे एक सेकंड दे दें ताकि मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ। ओके जी, एक वैल्यू है हम लोगों के पास, ये जो डेटा है ये बेसिकली हम लोगों के पास अनग्रुप डेटा है। एक हम लोग के पास है 52 kg है, प्लस हम लोग के पास फर्दर है, सॉरी 52 के बाद है 55 और 59, फिर हम ऐड करते हैं इसमें 55 और फिर हम इसमें ऐड करते हैं 59 और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीन, जो आएगा वो 55.3, 55.3। तो इट्स मीन इस अनग्रुप डेटा की जो मीन वैल्यू है वो हमारे पास 55.3 आ गई। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्दर ग्रुप डेटा के लिए कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप डेटा है, मिसाल के तौर पे ये कैपेचिनो है, कैपेचिनो के लिए 0 to 3 आपके पास एक क्लास है इसकी, ठीक है। फिर एक ग्रुप है 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19। अब इसमें सपोज 0 to 3 कितने लोग हैं जो 0 to 3 की रेंज में आएंगे, सपोज 2 पार्टिसिपेंट हैं। फिर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, कि कितने लोग मौजूद हैं एक पार्टिकुलर क्लास में। तो 0 to 3 ग्रुप में हम लोग पास 2 लोग हैं, 4 to 7 3 लोग हैं, 8 to 11 8 लोग हैं और 12 to 15 3 लोग हैं और 16 to 19 2 लोग हैं। ये हम लोग पास ग्रुप्स और उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मिड पॉइंट कैलकुलेट करने से मुराद ये होती है कि हम लोगों ने ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, मिड पॉइंट करने का, मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आपने 0 + 3 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, फ्रीक्वेंसी पे इसको डिवाइड कर देंगे और इस तरह से आपके पास मिड पॉइंट 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको 0 + 3 = 3 आएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ये आपके पास मिड पॉइंट वैल्यू आ जाती है, इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। मीन्स ये इस क्लास का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। फिर यहाँ पे 4 + 7 करें तो ये आपके पास 11 बन जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास 5.5 आ जाएगा। मीन मिड पॉइंट से मुराद ये कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ इंक्लूडेड क्लास। जैसे ये 0 to 3 एक ग्रुप है या क्लास है, फिर एक ग्रुप है 4 to 7 और फिर 8 to 11, तो ये हमारे पास क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट करें तो हमने क्या करना है, इन दोनों की जो रेंज है लोवेस्ट रेंज प्लस हाइएस्ट रेंज, इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब 4 + 7 किया तो हम लोग पास 11, 11 को 2 पे डिवाइड किया तो 5.5, फिर 8 + 11 किया तो ये आपके पास 19 आ गया, 19 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। फिर 12 + 15 करेंगे आप
और ये बन जाएगा आपके पास 30 में से 3 माइनस करें तो 27 तकरीबन बन जाता है। 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13.5 आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके पास 16 प्लस 19 है और ये बन जाएगा आपके पास 35। 35 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्दर 17.2। इस तरह से आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि नेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नेट फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे मिड पॉइंट है 1.5 और इसको फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर आप लोगों के पास है 5.5 मिड पॉइंट है और फ्रीक्वेंसी 3 है तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपस में एफ एक्स एफ फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ तो ये 16.5 आ गया। फिर आपके पास 9.8 है, इसको 5 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76। इसी तरह आप बाकी वेरिएबल्स को भी फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आती जा रही हैं। जैसे ही आपको टेबल में एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई हुई नज़र आ रही है, 40.5 आ गया, फिर 35 बन गया। अब क्या करना है, आपने समिशन लेना है, सम लेना है एफ एक्स का और एफ का। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम लिया हमने तो वो आ गया 18, और फिर हमने एफ एक्स जो हमारे पास नेट फ्रीक्वेंसी है इसका हमने सम लिया तो ये आपके पास 171 आ गया। अब आपने क्या करना है, मीन इज इक्वल टू समिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समिशन ऑफ एफ। समिशन ऑफ एफ एक्स मीन्स द नेट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसी या ओवरऑल क्लास फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, इससे डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास बन जाएगा 171 डिवाइडेड बाई 18, 10 कैपिचिनो पर हावर। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 10 कैपिचिनो पर हावर यूज होंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए कोई भी अगर किसी भी सॉरी किसी भी डेटा में हम लोगों ने अगर कैलकुलेट करना है उसका उसकी मीन कैलकुलेट करना है किसी भी ग्रुप डेटा में, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से देखते हैं कि कितने व्हाट विल बी द मीन। ग्रुप डेटा के लिए मीन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि कितने कैपेचिनो यूज होंगे जो पर हावर के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 कैपेचिनो पर हावर यूज होंगे किसी भी अगर कोई कैपेचिनो से। एक्चुअली वो ये होता है कि कहीं पे ये एक एग्जांपल इस तरह से कोट की गई है कि जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में कैपेचिनो यूज किए जाते, कॉफ़ी में डाले जाते हैं कैपेचिनोज, ठीक है, कॉफ़ी में डाल के पिए जाते हैं। तो अब अगर कितने घंट पर हावर कितने कैपेचिनो यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे ये 10 कैपेचिनो पर हावर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, इस तरह से मीन्स कैलकुलेट करेंगे। और ग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। और लेकिन अनग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टोटल जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर देते हैं उनके टोटल नंबर्स पे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए तो वो 52 प्लस 55 और प्लस 59 करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये तरीका है अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करने का। बट ग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, और ये अपनी रिसर्च में आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करना, मीन एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मीन एज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी लैब के टेस्ट हैं अगर आप उनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उनकी भी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट की जो लैब के रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो एक दफ़ा आपने रीडिंग्स रन की ग्रुप्स की फॉर्म में रन की। सपोज आज के दिन में आपने 5 रीडिंग्स रन की तो उनके जो रिजल्ट्स थे वो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, कितने सैंपल थे जो आपने 5 टाइम रन किए, कितने सैंपल्स थे जो आपने 4 to 7 टाइम रन किए, कितने सैंपल्स थे जो 8 to 11 टाइम्स रन किए। इस तरह आप क्लासेस बना सकते हैं उन सैंपल्स की, और इस तरह से लैब की जो रिजल्ट्स हैं उनका भी मीन आप मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल और ग्रुप डेटा। इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द मीन। अच्छा, अब हम फर्दर बात करेंगे, मीन कैलकुलेशन की बात हमने यहाँ पे कर ली कि किस तरह ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करते हैं। अब है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है और एक और इम्पॉर्टेंट टूल है बायोस्टैटिस्टिक में जो यूज होता है, जिसको हम कह रहे हैं जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी
टेबल, हाउ टू जनरेट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, मिसाल एक एग्जांपल से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कंसीडर द एएलटी एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज टेस्ट वैल्यूज फॉर 50 पेशेंट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एट कल्सूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। द मैक्सिमम एएलटी वैल्यू वाज प्रपोज्ड और नोटेड 50 यूनिट पर लीटर, कि 50 आपके पास एएलटी एस्टिमेशन के टेस्ट आए हैं, 50 लोग आए हैं टेस्ट करवाने एएलटी का, और 50 लोगों का आपने टेस्ट परफॉर्म किया एएलटी का, तो आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आए, 23 आई एक बंदे की एएलटी की वैल्यू, दूसरे की 8 आ गई, फिर 13, 18, 32, ये इस तरह से 50 लोगों की एएलटी की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये कितने, मतलब ओवरऑल किस रेंज में कितने लोगों की एएलटी की वैल्यूज जो हैं वो 0 to 10 है, और कितने की 10 to 20 हैं, और कितनों की 20 to 30 हैं, और कितनों की 30 to 40 हैं। आपको पता है एएलटी की नॉर्मल जो रेंज होती है वो 7 से लेकर तकरीबन 41 तक यूनिट पर लीटर एएलटी की वैल्यू नॉर्मल कंसीडर की जाती है, 41 तक, 41 से ऊपर वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब है एएलटी इज एबनॉर्मल। तो हम यहाँ पे इसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोगों का एएलटी 0 से 10 रेंज में है, और कितनों का 10 से 20 है, या मीडियम रेंज में नॉर्मल लेवल पे एएलटी लोगों में जो एएलटी की कंसंट्रेशन आ रही है वो फाइंड करें। ये रिसर्च टॉपिक समझ लें आप। आपने क्या करना है, पहले ग्रुप्स बनाने हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50। फिर आपने टैली मार्क्स लगाने हैं इस डेटा में, ये देखना है कितने लोगों का जो लेवल है एएलटी का वो 0 to 10 है। तो इस तरह से आपने 3 मिल जाएंगे, फिर आपको 11 मिल गए, फिर आपको 14 मिल गए, फिर 14 और फिर 8, तो ओवरऑल 50 आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं किसी भी डेटा के लिए। अब आगे हम लोग पास मोड कैलकुलेशन, मीन की एक स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और मीन को आपको पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट मीन, किस तरह से ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा के लिए मीन हम कैलकुलेट करते हैं। अब बारी आ रही है मोड की। मोड को हमने जब पहले डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था कि मोड इज़ एक्चुअली अ नंबर विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, के मोड इज ऑफन सेड टू बी दैट वैल्यू इन अ सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली और विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रादर इट इज़ दैट वैल्यू अराउंड विच द आइटम्स टेंड टू कॉन्सनट्रेट मोस्ट हैवीली। एक डेटा है, जब हम उसमें मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है मोड का, हमें ये पता चलता है कि सारी जितनी भी इस डेटा में वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा आ रहा है, ठीक है, और ओवरऑल वेरिएबल। फिर हम इस तरह से ना सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक है इससे मतलब भी ये होता है कि हमने इस डेटा में सेंट्रल वैल्यू देखनी है, तो मोड जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस डेटा के अंदर सेंट्रल इम्पोर्टेंस किस वैल्यू को हासिल है, किस वेरिएबल को हासिल है। तो इस वजह से हमें डेटा में मोड कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मोड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर ग्रुप डेटा, दोनों केसेस में हमने इसको कैलकुलेट करना है। पहले हम बात करेंगे मोड कैलकुलेशन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा, फिर बाद में हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे। एग्जांपल है यहाँ पे आपके पास, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जैसे 8 है, 9 है, ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, इनके लिए आपने मोड कैलकुलेट करना है, और ये अनग्रुप डेटा है, कोई ग्रुप नहीं बने हुए इसके, 8, 9, 11, 15, 16, 12, 15, 3, 7, 15। सोल्यूशन कैसे है, कैसे आप इसको मोड को कैलकुलेट करेंगे, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन इन द थ्री इन द सीरीज वेयर इन द फिगर 15 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3, देयर मोड, देयरफॉर द मोड इज 15। आप इस डेटा में देखिए तो मोड से मतलब होता है कि कौन रिपीटेडली एग्जिस्ट कर रहा है डिजिट, कौन सा डिजिट बार बार आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको मोड की जब डेफिनेशन भी बताई थी तो मैंने बताया था कि मोड के केस में आपके पास वो डिजिट रिपीटेडली आएगा। यहाँ पे कहीं मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मोड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, बार बार आएगा। अब उस डेटा में अगर अनग्रुप डेटा में देखें आप यहाँ पे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये मोड में यहाँ पे इस डेटा में जो अनग्रुप डेटा है 8 है 9 है 11, इसमें 15 वन टाइम, फिर 15 टू टाइम और 3 टाइम, 3 दफ़ा 15 आ रहा है। तो इस मीन इस डेटा में जितना रिपीटेड कोई नंबर आएगा
अनग्रुप डेटा में वो उसका मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने मोड कैलकुलेट कर लिया, ये इसकी मोड की वैल्यू 15 आएगी। अब हम बात करेंगे कि व्हाट हाउ वी कैन कैलकुलेट मोड फॉर द ग्रुप।